12 जनवरी को लखनऊ से शुरू हुई विवेकानंद विचार यात्रा आज गाजीपुर पहुंची है। इस यात्रा में स्कूली बच्चों के साथ साथ अकादमिक जगत के और समाज के अन्य तबके के लोगों ने भी हिस्सा लिया है। कुछ स्कूली बच्चे जो है कि इस यात्रा में विवेकानंद जी की वेशभूषा में ही शामिल हुए। हम बातचीत करेंगे इस यात्रा के समन्वय समिति के साथ साथ ऐसे लोगों की जिन्होंने कि अपने विचारों को इस यात्रा के दौरान साझा किया। हमारे साथ माधव कृष्ण जी हैं जो कि वक्ता के तौर पर इस आयोजन में शामिल रहे। क्या उद्देश्य रहा और साथ ही साथ विवेकानंद जी के जीवन दर्शन से ये किस तरीके से प्रभावित हैं, इन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। माधव, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि विवेकानंद जी को एक आदर्श के तौर पर आप मानते हैं, काफ़ी कुछ उन पर आपने लिखा है, एक वक्ता के तौर पर जगह जगह आप जाते रहे हैं। विवेकानंद जी के वो कौन से विचार हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कण, परमाणु, यहाँ तक कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मुक्त होने की आकांक्षा में घूम रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों से लेकर सामान्य मनुष्य तक उसी बंधन की परिधि से बंधा हुआ है। अब इस बंधन को आप जाति की संकीर्णता कह लो, परिवार की विवशता कह लो या सामाजिक दायरा कह लो, जब तक हम इन संकीर्ण बंधनों से मुक्त होकर मनुष्य मात्र के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ पाएंगे, जिसको हम प्रेम कहते हैं, विज्ञान भी अधूरा है, अध्यात्म भी अधूरा रहेगा और हम केवल कर्मकांड में और बंधनों में पड़े रहेंगे। तो मुझे स्वामी विवेकानंद का वह मुक्तिकामी स्वभाव वही पसंद है और इसीलिए मैं उनसे प्रभावित हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचारों को साझा किया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं जो कि विवेकानंद जी के ही ड्रेस में इस यात्रा में शामिल हुआ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षित खरवार है तथा मैं डीएबी इंटर कॉलेज के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। अच्छा, तो आज इस यात्रा में आप शामिल हुए हैं और ये जो वस्त्र है इसी तरीके का वस्त्र विवेकानंद जी भी धारण करते थे, क्या एहसास आप कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज इस यात्रा में शामिल होने के बाद? मैं इस यात्रा में शामिल होने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे स्वामी जी के इस शुभ यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। विवेकानंद जी के दर्शन के बारे में भी आज आपको जानने को मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। आप उससे किस हद तक प्रभावित हैं? हालांकि ये बड़ा सब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है कि उनके आचरण को, उनके जीवन शैली को जीवन में उतारना चाहिए एक छात्र के तौर? यस, उनके मतलब उनकी जो सोच थी हर स्टूडेंट्स के प्रति ये थी कि जो हर स्टूडेंट है उन्हें अपने कार्यों के प्रति डेडिकेटेड रहना चाहिए, जब तक वो अपने कार्यों को पूर्ण ना कर लें उन्हें अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। चलिए, हमारे साथ इस यात्रा के समन्वय समिति के लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आगे गाजीपुर से निकलने के बाद ये यात्रा किस दिशा में रुख करेगी, क्या आगे प्लान ऑफ एक्शन है। हमारे साथ अरुण सिंह हैं जो कि इस इवेंट के गाजीपुर की के हिस्से में जो इस यात्रा की पूरी जो रणनीति रही है उसकी टीम को ये लीड कर रहे थे, उसको असिस्ट कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हैं। अरुण, ये बताइए कि जिस तरीके से इस यात्रा का आगमन हुआ कल और आज इस यात्रा को फिर आगे जाना है, आगे कहाँ जाएगी यात्रा और इस यात्रा को लेकर के किन किन तैयारियों पर आप लोगों ने, किन किन बिंदुओं पर आप लोगों ने विशेष तौर पर ध्यान दिया था? ये विवेकानंद जी संदेश यात्रा 12 जनवरी 23 को विवेकानंद जयंती पर शुरू हुई लखनऊ से, जो पूरे प्रदेश के 21 जनपदों का भ्रमण करते हुए पुनः 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर लखनऊ में इसका समापन होगा और ये पूरे प्रदेश में 10 जनपद में इसका प्रवास था। 10 जनपदों में प्रवास में गाजीपुर जनपद था। गाजीपुर जनपद में प्रवास का विशेष महत्व है इस यात्रा के लिए, क्योंकि गाजीपुर जनपद में स्वामी विवेकानंद जी 62 दिन यहाँ प्रवास किए हुए हैं पवारी बाबा आश्रम पे, और पवारी बाबा से उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही शिकागो का यात्रा उनका उसके बाद ही हुआ था। ये यात्रा अब कहाँ निकलेगी? गाजीपुर से निकलेगी तो किस जिले में जाएगी? अब ये यात्रा आज शहर में शोभा यात्रा पूर्ण होने के बाद यहाँ से देवकली, नंदगंज, देवकली, सैदपुर, सिधौना, इन चार स्थानों पर स्वागत रास्ते में रहेंगे यात्रा के। उसके उपरांत ये यात्रा काशी को प्रवास कर जाएगी और काशी में होके ये पूरे प्रयागराज होते हुए कानपुर होके फिर लखनऊ 23 को आएगी। अच्छा, चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और इस पूरे यात्रा को लेकर के जो पूरी कोर टीम थी जिसने इस पूरे यात्रा की प्लानिंग की और यात्रा की रूपरेखा को तय किया, उसके सहसंयोजक हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और अब तक जो आप लोग को रिस्पॉन्स मिला है, जिन जिन जिलों से आप लोग होके आ रहे हैं वो कैसा रहा? इसका कॉन्सेप्ट यात्रा का, हमारा 50 साल पूरे हुए हमारे विवेकानंद केंद्र के, उस उपलक्ष्य में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश भर में। ये विवेकानंद संदेश यात्रा उत्तर प्रदेश का प्रांत, उत्तर प्रदेश की यात्रा है। इस यात्रा 12 जनवरी 2023 से शुरू करेंगे हम, उनके जन्म दिवस पे विवेकानंद के,
और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, उस पर समापन होगा लखनऊ में ही। इस बीच हम 21 जिलों का भ्रमण करेंगे, 7 मंडल कवर होंगे और करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक अपने संदेश पहुंचाने का हमारा संकल्प है। सर, अब तक का क्या रिस्पांस रहा है, क्योंकि यूथ के आइकन्स बदल रहे हैं, यूथ के सामने जो कभी आदर्श महापुरुष होते थे अब वो बदल रहे हैं, सोसाइटी बदलने के हिसाब से उनके आइकन्स बदल रहे हैं। ऐसे में विवेकानंद जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि रिलेवेंट तो हैं, लेकिन यूथ उनको उनके आइडियोलॉजी से कितना अपने को कनेक्ट कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, विवेकानंद की आइडियोलॉजी जो है वो समाज, धर्म और अध्यात्म, इन तीनों को लेता है, तीनों डायमेंशंस को कवर करता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। और जहाँ तीनों डायमेंशंस होते हैं, जहाँ तीनों आयाम को टच किया जाता है, वहाँ पे कोई भी एज उसको नहीं मान सकती है। सभी समय में प्रासंगिक होती हैं उनकी शिक्षाएं, हर वक्त उनकी शिक्षाओं का असर होता है समाज पे और समाज आगे आगे उन्नत होता है। इनका जो सशक्त संदेश है, जो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसमें यह है कि मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। हमारे साथ व्यास मुनि राय जी जो हैं इस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर शामिल थे, उनसे भी जान लेते हैं कि एक एकेडमिशियन होने के नाते वो इस तरह के आयोजन का क्या रिलेवेंस देखते हैं, क्या यूथ वाकई इस तरह के कार्यक्रमों से अपने को कनेक्ट कर पाते हैं, क्या इस तरह की यात्राओं से जो विवेकानंद जी का संदेश है वो जनमानस तक पहुँचेगा। सर, सीधे सवाल आपसे यही है कि इस तरह के आयोजन का क्या आप रिलेवेंस देखते हैं? इस तरह के आयोजन से पूरा प्रयास किया जाता है कि जो आज की पीढ़ी जो कुप्रवृत्तियों से जकड़ती चली जा रही है आधुनिकता में, पाश्चात्य सभ्यता में, तो इस तरह के कार्यक्रमों से उनको प्रेरणा मिले और विवेकानंद के बताए गए रास्ते पर चलने को कुछ भी लोग तैयार होंगे तो उसे देश बनेगा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना धर्म और भारतीयता निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी, सपुष्ट होगी और संवरेगी। ये तो सर नीतिगत बात हो गई, आप ऐसा महसूस करते हैं, आपकी ऐसी इच्छा है, लेकिन क्या वाकई यूथ कनेक्ट हो रहा है इस यात्रा से? ये चूंकि विवेकानंद ऐसा प्रसंग है कि यूथ जो है बहुत संख्या में नहीं, लेकिन कुछ संख्या में यूथ जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसे संदर्भित होकर के अपने जीवन को वो बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये समय कुछ ऐसा है कि सबको समूह में एक साथ चाहे कोई अच्छा बना देना या विवेकानंद के विचारों को समाहित करा लेना, समावेशी संस्कृत को धारण कर लेना, वो संभव नहीं है, लेकिन इस प्रयास के माध्यम से कुछ ही सही, कुछ ही नौजवान सही, लेकिन वो नौजवान भी जुड़ेंगे तो हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का निश्चित रूप से आने वाला भविष्य अच्छा और सफल होगा। तो ये थे विवेकानंद विचार यात्रा से जुड़े लोग जिनसे हमने बातचीत की। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ रहे हैं जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नीरज राय है और मैं केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर में हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। आप एकेडमिक से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके के यूथ से आपका डे टू डे इंटरेक्शन होता होगा, संवाद होता होगा, क्या लगता है कि इस तरह की यात्राओं का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट आउट होता है? यूथ वाकई इस तरह की योजनाओं से, इस तरह की यात्राओं से इंप्रेस होते हैं, आइडियोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं? ये आपका प्रश्न जो है बड़ा प्रासंगिक है, यह सही है। अभी गुरुजी ने भी बताया कि आजकल जो युवा वर्ग है उसके लिए विवेकानंद जी के विचारों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो संक्रमण का दौर चल रहा है समाज में, जिस तरह से इधर विगत कुछ वर्षों में युवाओं के आइकन्स बदले हैं, अभी आपने प्रश्न में भी पूछा, ऐसे में कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है आज का युवा। तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा कि वेदांत और भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन के मनीषी थे और जिस तरह से उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय वेदांत का प्रचार किया, आज कहीं ना कहीं भारतीय युवा ही उससे अलग हो रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से ये संदेश यात्रा भारत के युवाओं में वेदांत के प्रति, भारतीय दर्शन के प्रति जागरूकता लाएगी और विगत कुछ वर्षों में जिस तरह से युवाओं का रुझान बढ़ा है, मुझे तो विश्वास है कि पुनः भारतीय युवा एक बार अपने उसी भारतीय वेदांत दर्शन की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये विवेकानंद विचार यात्रा से जुड़े लोग थे जो कि अलग अलग भूमिका में इस यात्रा से जुड़े हुए थे। अब यह यात्रा गाजीपुर की सीमा से निकलकर वाराणसी में प्रवेश करेगी, जहां इसी तरीके का आयोजन फिर आयोजित किया जाएगा वाराणसी के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। अमितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।